साल 1933 में परकुता नामी मोजे में जो कि स्कर्दू से 51 किलोमीटर पर है वहाँ पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम प्राइमरी तक वहाँ मादियाबाद परकुता प्राइमरी स्कूल से किया, मैट्रिक लोअर हाई स्कूल यहाँ स्कर्दू से किया, नाइन्थ डेजिस हाई स्कूल रावलपिंडी से मैट्रिक का इम्तहान पास किया, गार्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, ला यूनिवर्सिटी ला कॉलेज लाहौर से LLB का इम्तहान पास किया। जहाँ तक मेरी सर्विस का ताल्लुक है, अल्लाह के फजल करम से मैं अच्छे अच्छे अहदों पे मैंने काम किया। फेडरल गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी रहा, जॉइंट सेक्रेटरी रहा, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी मैं गांशे का पहला डिप्टी कमिश्नर था गांशे ज़िले का। डोगरा हुकूमत का इक्तदार यहाँ 110 साल तक रहा गिलगित बल्तिस्तान में। उससे पहले यहाँ पे राजाओं की हुकूमत थी। स्कर्दू में अली शेर खान अंचन अहमद शाह हुक्मरान था। खपरू में यबगो फैमिली के राजे हुक्मरान थे। शिगर में अहमद शाह फैमिली के राजे हुक्मरान थे। इस तरीके पे राजा साहिबान जो है उनका यानी इक्तदार मुकम्मल तौर पर उनका इक्तदार था। हाँ जी, वही कानून बनाते थे, वही कानून को नाफिज करते थे। ये खरपोचो फोर्ट जो आप देखते हैं, ये राजा अली शेर खान अंचन मापोन फैमिली के एक यादगार फोर्ट है। हाँ जी, ये फोर्ट जब महाराजा हरी सिंह ने हमला किया तो राजा स्कर्दू इस फोर्ट में मासूर हो गए। हाँ जी, तो काफ़ी अरसे तक महीनों तक यहाँ पे उन्होंने कोशिश की, डोगरा फौज ने मुआसरा करके इस किले को फतह करने की, मगर कामयाब नहीं हुए। बिलआखिर हमारे अपने लोगों की गद्दारी की वजह से इसका रास्ता जो है वो रास्ते का राज डोगरों ने हासिल कर लिया और रात को उस चोर दरवाजे से दाखिल होकर शपून मार के राजा फैमिली को कुछ लोगों को कत्ल किया, कुछ लोगों को असीर करके कश्मीर ले गए। डोगरा दौरे हुकूमत में यहाँ 3 तहसील हुआ करता था बल्तिस्तान में, तहसील स्कर्दू, तहसील करगिल, तहसील लद्दाख। लद्दाख जो है वो ज़िला भी हुआ करता था बल्तिस्तान का। तो वजीर वजारत होता था जो आजकल DC के होते के बराबर है, हिंदू वजीर वजारत, वो अपने स्टाफ के साथ 6 महीने स्कर्दू में, सर्दियों में 6 महीना, गर्मियों में लद्दाख में गुजारता था। उसके अलावा यहाँ स्कर्दू छावनी में डोगरा 50 दफरी जो है, डोगरा फौज की 50 दफरी यहाँ पे स्कर्दू फोर्ट छावनी में होती थी। तो डोगरा ज़माने के कवानीन जो है, ख़ासकर लैंड रेवेन्यू का कवानीन जो है, वो बड़ा परफेक्ट सिस्टम था। यानी कोई बाहर का आदमी डोमेसाइल सर्टिफिकेट ले नहीं सकता था, कोई बाहर का आदमी यहाँ अराजी ख़रीद नहीं सकता था। नोतोर के कवानीन यहाँ पे थे और लोगों के ऊपर इतना बोझ था वो मालिया लैंड रेवेन्यू जिन्स के तौर पर और नकद के तौर पर, किसी से 1 रुपया, किसी से 8 आने, किसी से ज़मीन के हिसाब से। तो कम्युनिकेशन उस ज़माने में बिल्कुल नाकिस था। कश्मीर से स्कर्दू तक जो है जी वो पोनी ट्रैक होता था, पोनी ट्रैक। तो लोग घोड़ों पे पैदल कश्मीर से यहाँ आते थे, यहाँ से कश्मीर जाते थे। स्कर्दू में एक टेलीग्राफ ऑफिस था, हैं, जहाँ से उर्दू में टेलीग्राम कश्मीर को भेजा जाता था। तो स्कर्दू से कश्मीर तक पहुँचने के लिए तकरीबन 11-12 दिन लगते थे। गर्मियों में रास्ता जो है देवसाई के रास्ते से कोई 5वें दिन कश्मीर में पहुँच जाते थे लोग। तो गर्मियों में देवसाई का रास्ता इस्तेमाल करते थे और बाकी अयाम में यही
स्कर्दू से गोल, गोल से परकुता, परकुता से तोलती, तोलती से बागीचा, बागीचा से होल्डिंग, होल्डिंग से करगिल, करगिल से होते हुए जोजिला पास से होते हुए 11वें या 12वें दिन कश्मीर को टच करते थे। अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान को हसीन कुदरती मनाजिर से नवाजा है। K2 और नंगा पर्वत जो कि दुनिया की दूसरी और तीसरी हाईएस्ट चोटियां हैं, इस इलाके में वाक़ है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़ी ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बल्तोरो ग्लेशियर हो गया और दीगर ग्लेशियर जो है दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी, वो हमारे इस इलाके में वाक़ है। और इसके अलावा K2 के आसपास कहते हैं कि भाई तकरीबन यानी एक ही एरिया में 14 से 20 तक बुलंदतरीन चोटियां जो है जिनकी हाइट 14,000 फुट से 22,000 फुट तक बुलंद है, उनका एक जुर्मट वाक़ है K2 के दामन में। तो इस तरीके पर, इस तरीके से इसके अलावा यहाँ पे सतपारा झील है, जेवसाई प्लेन है जो कि 12 से 14,000 फीट की बुलंदी पर एक सतह मुर्तफा मैदान है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक हमारे इलाके के लिए अतिया है। उसके अलावा आबशारे हैं, कुदरती झीलें हैं, चश्मे हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जो यहाँ ना हो। इन बुलंदतरीन चोटियों में, पहाड़ों के अंदर कुदरत के खजाने दफन हैं। ये इलाका मादनियात से बड़ा पड़ा है। कहा जाता है यहाँ पे शिगर के एरिया में, रोंदू के एरिया में, खपरू के एरिया में अबरक है, माइका है, जिप्सम है, एक्वामरीन है, रूबी है और दीगर सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। यहाँ रोंदू के इलाके में यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ कई लोगों ने यूरेनियम निकाल के सदर अय्यूब जब यहाँ दौरे पर तशरीफ लाए थे, उसको पेश किया तो वो बहुत मुतासर हुए। तो उम्मीद है कि सी पैक का मंसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये इलाका जो है उससे काफ़ी मुस्तफीद होगा। कोई ईरानी ज़रतुश्तियों का भी असर है, कोई बुद्धिस्ट कल्चर भी, उसके भी असरात हैं। चिनांची यहाँ पे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मेफंग का जश्न मनाते हैं। उसके तहत लोग जो है पहाड़ों पे, घरों में, मैदानों में, हर जगह आग जलाते हैं और मेफंग मनाते हैं। इसी तरीके पे 21 मार्च को जश्न नौरोज मनाया जाता है जो कि ईरान के असरात में से एक असर है। जश्न नौरोज उस दिन लोग जो है जी नए कपड़े बनाते हैं, पोलू खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं, अंडे लड़ाते हैं और एक बहुत बड़ा जश्न का समा होता है।